अभी इट्स जस्ट दैट की आप तीन सब्जेक्ट पे कोर फोकस करिए अब आप मुझे ये बताइए कि इस सेशन में मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊं या फिर मैं क्या करूं लाइक हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट द स्लाइटेस्ट आइडिया दैट वॉट हाउ एंड वाई ऑफ अकाउंट्स बेसिक से स्टार्ट करना है सब लोग लिखिए अभी जिसका भी हैंड्स अप है थोड़ा सा हैंड्स डाउन कर लो बाकी बातें बाद में करेंगे कुछ दूसरी बातें कर लेते हैं तो यार देखो मैंने ना पिछले बहुत टाइम से मैंने कुछ दिमाग लगाया कुछ चीजें मैं सोच रही थी आप सब के बारे में कि कैसे हम चीजें करेंगे तो अभी जो हमारा टाइम है उसकी हम बाद में बात करेंगे उसके पहले कुछ और बातें करते हैं राइट जो भी आपके सवाल हो आप चैट में लिख सकते हैं मैं कुछ डिस्कस करने के बाद फिर चैट जरूर देखती हूँ अब क्या दोस्तों कि हम खड़े हुए मिड में में राइट और जिन बच्चों का एग्जाम सेप्टेम्बर में है उनके लिए इस बार यूनिक ये है कि कभी भी ऐसा होता नहीं था हर बार हमें छह महीने का गैप मिलता ही मिलता था बट बीच में एक अटेम्प्ट आया है अब बच्चे भी पूछते हैं कि क्या ये अटेम्प्ट देना चाहिए मैं कहूंगी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि डर के कि यार सितंबर की तैयारी नहीं हो पाएगी और बहुत सारे बच्चे हैं जो कि उस विंडो में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पा पाए सितंबर में तो वो जैन में एग्जाम देंगे तो सितंबर में मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर में जिसने मेहनत कर ली वो बहुत मस्त पास होगा वाई बिकॉज कॉम्पिटिशन विल बी लेस अब ऑफकोर्स जून के बहुत सारे बच्चे हैं जो की सेप्टेंबर uh, में जाएंगे जो कि पास नहीं कर पाए बट गिवेन योर प्रिपरेशन अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर ले जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्पीड में काम कर ले जाते हैं तो आप इस पहले अटेम्प्ट को September को क्रैक कर ले जाएंगे अभी से मत सोचना कि यार जैन मैं तो सेप्टेम्बर का पढ़ रहा हूँ जैन एग्जाम होगा अभी से मत समझना सो लेस टाइम ड्यूरेशन आई थॉट अ लॉट अबाउट थिंग्स एंड दिस इज वॉट आई

थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लेकर के आने में स्टूडेंट्स के बीच में टीचर्स के बीच में मिनट में हो जाएगा आज दस तारीख है राइट तो हमारे पास एग्जाम कब है सेप्टेम्बर में जिसकी डेट अभी आउट नहीं है हम मान रहे हैं कि सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक ही वीकूडेंट्स लेकर के चलेंगे तो हमारे पास टाइम कितना बचा है बताओ अभी से गिवन सी ए फाउंडेशन चार सौ नंबर का पेपर वो भी न्यू स्कीम जो कि टफ है और मैं यहाँ पे डराने नहीं मेरा मेरा आप आप मुझसे पढ़ने आए हैं तो मुझे आपको वो बातें बतानी है जो शायद आपको कोई नहीं बता रहा है ठीक है बताइए फटाफट फड़ से क्या लगता है और बाकी जितने भी बच्चे हैं वो क्लास के बाद बात करेंगे अभी जो मैं जितना पूछती हूँ बताओ बीच में आपको ये समझना पड़ेगा कि कभी सिख हो जाता है कभी किसी के कोई और दूसरे एग्जाम्स पड़ जाते हैं क्या कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका इस ड्यूरेशन में फॉर एग्जाम्पल दिस इज मे दिस इज जून दिस इज जुलाई दिस इज ऑगस्ट एंड हेयर इज वेर एग्जाम्स आर स्टैंडिंग क्या इस ड्यूरेशन में किसी का बोर्ड uh, या फिर सी या फिर एक्सरवाइज कोई आ रहा है प्लीज लिखेगा स मतलब सीवीटी लेट से सी टी भी तो आई थिंक पहले ही उलझा है सी टी इज हाँ सी टी तो फॉल करेगा ना एंड देन हो सकता है graduation किसी के, mid -semesters के exam, so ये सब कुछ आ रहा है क्या तो उनको थोड़ा सा और स्पीडअप करना पड़ेगा राइट कॉलेज एग्जाम्स मुझे पता था तो बच्चे ये तो नहीं करते ना कि लास्ट मोमेंट तक uh, पढ़ाई करते हैं हम हमेशा हमेशा से एक इंस्टेंस रहा हैज बीन द थिंग कि हम एटलीस्ट टू मंथ पहले और एट मिनिमम 1.5 मंथ्स पहले सिलेबस कंप्लीट करें कि हमारा माइंड एकदम फ्रेश हो कि नहीं यार इसमें जो चीज नहीं हो पाई वो करेंगे जिसमें नंबर कम आ रहे हैं बेकार आ रहे हैं वो देखेंगे रिवाइज करेंगे और मेहनत करेंगे बताओ होता है कि नहीं ऐसा तो हम उसके लिए वन एंड हाफ मंथ निकाल लें तो बच्चा कितना हमारे पास आइडली टू मंथ सेप्टेंबर के लिए राइट right? और सितंबर का रजिस्ट्रेशन करवा चुके हो तो सितंबर ही टारगेट करना जैन के बारे में अभी मत सोचना अभी से ये डिले करना सही नहीं है ठीक अब आते हैं वॉट माई एक्सपीरियंस अबाउट द न्यू स्कीम ठीक है एक आइडिया होना होता है तो बच्चा जो है स्पीड में तैयारी करता है बच्चे सोचते हैं अरे अभी तो बैच शुरू हुआ है अभी तो धीमे से घूमेंगे फिरेंगे मस्ती करेंगे फिर धीमे धीमे पढ़ेंगे वो ये वाला बैच नहीं है राइट right? वो ये वाला बैच आपका नहीं है बिकॉज 150 आवर्स का न्यू स्कीम में में हर एक सब्जेक्ट पूछते हो ना तुम लोग इंक्लूडिंग प्रैक्टिस इंक्लूडिंग यू नो लॉ में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एंड ऑल ऑफ दैट तो 150 फिफ्टी आवर्स का अगर मैं प्रूडेंटली लेकर चलू कितने सब्जेक्ट हैं चार कितने हो गए 600 घंटे छह सौ घंटे में मैं मान रही हूँ कि तुम पूरा पढ़ोगे लगातार दो महीने मतलब साठ दिन दस घंटे पर दिन की लाइफ पॉसिबल है पागल हो जाओगे आप लोग तो? टेन आवर्स की लाइफ करना अलग होता है टेन आवर्स का अपने पेस पे पढ़ाई करना अलग होता है राइट लाइफ का मतलब है कि आप अपने पेस पे यू नो रिवाइज नहीं कर सकते यू विल बी स्टक एंड दैट इज वाई आई हैव डिसाइडेड

माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे नॉट मैक्रो चैप्टर वन से स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा लाइट टॉपिक रहेगा अभी मैं मैथ्स की बात नहीं कर रही हूँ फिर उसके बाद हमारा जो लॉ रहेगा अब लॉ में भी बहुत कुछ चेंज हुआ है तो लॉ हमारा मंडे और थर्सडे रहेगा आपको डेली टारगेट्स मिला करेंगे हम कोशिश करेंगे एक दिन पहले आपको टारगेट दे दें उसमें लिखा रहेगा फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि हम इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अब एक और बात समझना इसकी तो आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी ये तो भाई पूरा लाइव ही है ठीक है हाँ कुछ परसेंट कभी कभी रिकॉर्ड आ जाएगा कि भाई ये भी दो चीजें करनी है चार चीजें करनी है वो सब रहेगा आपको ता... तो अगर आप इस कोचिंग में हो ना आपको इस कोचिंग में सिर्फ क्लास नहीं करना है आपको एक चीज ध्यान रखनी है वो है भाई टारगेट क्या है क्योंकि मुझे टारगेट दे करके आपको क्लियर करवाना है वरना आप आगे के दो महीने बाद पजल हो जाओगे भाई और क्या पढ़े ये रिवाइज करना बाकी है वो पढ़ना बाकी है उसका टेस्ट देना बाकी है ये सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है नहीं आप टारगेट को आंख बंद करके अगर डे वन से फॉलो करते चलो अभी भी जून वालों का टारगेट आ रहा है कि क्या रिवाइज करना है तो जिसने बीच में टारगेट छोड़ दिया वो फंस गया हुँ? इतनी क्लियर है बात तो आपको टारगेट्स के हिसाब से चलना है लेट सपोज अब मैं बात करती हूँ लॉ की लॉ में लेट सपोज यहां पे इस कोचिंग में हमारे साथ हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं लॉ की किस चीज पे प्रैक्टिस इको तो अपना डन हो गया भाई इको में कोई टेंशन की बात नहीं है टारगेट और क्लासेस फॉलो करो मंडे बनकर फ्राइडे एट पी रोज मिलेंगे साथ साथ में याद करना है इको की फर्स्ट क्लास कब है आज है ये तो अकाउंट क्लास नहीं है ये तो इंट्रोडक्टरी kind of क्लास है मुझे सब में लगवा देनी चाहिए थी बट मैं इसको सब जगह अपलोड करवा दूंगी तो इकोनॉमिक्स में मिलेंगे इकोनॉमिक्स की बात इकोनॉमिक्स में करेंगे कि क्या लेवल का डेडिकेशन चाहिए इकोनॉमिक्स में ठीक लॉ की अगर हम बात करें तो कैसे लॉ चलेगा मंडे और थर्सडे आपका थ्री थर्टी पी एवन क्लास में आना ही आना है अब लेट आपको एक टारगेट में बता दूंगी कि देखो आपको इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है वो आप रात में कर लो मैं तो कहूंगी या फिर लेट सपोजन लाइव नहीं है वो आप अपनी स्पीड से मैं ये टेन आवर पर डे के हिसाब से जिससे कि आपका बैच टाइम पे ओवर हो और आपके पास प्रैक्टिस करने का क्रैक करने का टाइम हो

रिवाइजिंग क्लास है तो उससे क्या होगा कि मंडे की क्लास आप मिस नहीं करोगे और मंडे की क्लास तक आते-आते आपका वो ढाई घंटा कंप्लीट हो चुका होगा तो फिर से आपको लाइव पढ़ा दूंगी बट अब वो टाइम नहीं है हमारे पास कि हम हॉले एक घंटे में लाइव करें उसी में बात भी करें उसी में डाउट सॉल्विंग भी करें नहीं इट स्पीड फास्ट ट्रैक फोकस्ड बैच वेर टू पॉइंट फाइव आवर्स का आप दो क्लास करो उसके नोट्स भी आपके पास हैं और मंडे को हम करने वाले हैं प्रॉपर रिवाइज प्रॉपर डाउट सॉल्विंग जिसके जितने क्वेश्चन हो आप पूछो क्या टॉपिक मैं पूछो दिस इज हाउ वी आर गोना कंप्लीट लॉ अब लेट सपोज की हम नेगोशिएबल पे आ गए लेट सपोज की हम सेल्स ऑफ एक्ट पे आ गए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आपको यूनिट का टारगेट दिया जाएगा ये यूनिट आपने करना है थर्सडे को हम मिलेंगे और उस पर्टिकुलर यूनिट को पूरा मैं कंसाइज करके आपके दिमाग में बैठाऊंगी उसके नोट्स आपको पहले से मिल चुके होंगे और उसकी हॉट लेवल की हम प्रैक्टिस करेंगे बिकॉज लॉ इज नॉट जस्ट अबाउट क्लास 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 इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिस 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 राइट अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे चैनल में वहां पे आप देखोगे कि कितने टॉपर्स का मैंने इंटरव्यू लिया वी वर द फर्स्ट वन हु Writing practice batch, right? So uskar aim ye tha, I was seeing a lot of students who were dedicatedly who were present in the live class. They were studying very well, but then they were failing to answer it perfectly. So this part to her class to her koy But then why are they failing? Because they don't know how to present it. So here our target in September 24 will be a lot of practice. I hope that makes sense. And the same will be followed in accounts as well. ट्यूजडे एंड फ्राइडे थ्री थर्टी टू टू एंड आवर्सिंग से हमारे पास अब टाइम कम है तो नोट्स खुद बनाए या फिर आपके नोट्स प्रिंट करें सो so, uh, इसके ऊपर भी एक चर्चा बहुत लंबी करनी बाकी है मुझे और तो मैंने सोचा था कि मैं नोट्स के ऊपर बातें इकोनॉमिक्स में करूंगी ठीक so, है सो इतनी चीजें हैं अभी मुझे आपको दिखाना है आपका कोर्स और हम एक चर्चा करेंगे नोट्स की इन अकाउंट्स, अकाउंट्स देखो accounts तो क्या है ना कि अभी रिस्ट्रक्चर हो रहा है अकाउंट्स में सबसे पहले एक टारगेट आप लोग अभी नोट कर लो वेदर यू आर फ्रॉम इफ यू आर फ्रॉम साइंस दैट इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको आपके अकाउंट्स के कोर्स में दो पार्ट मिलेगा एक होगा बैकअप का और एक होगा लाइव फ्रेश का तो बैकअप में तो सब कुछ है फॉर सांबड़ी जिसको कुछ भी करना है किसी को एनपीओ करना है किसी को कंपनी करना है किसी को पार्टनरशिप करना है लाइफ फ्रेश में आप देखोगे चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर टू इसके ढेरों असाइनमेंट के क्वेश्चन मैम यू यू मीन से असाइनमेंट असाइनमेंट मीन की किसी एक टॉपिक के आज तक के कि कितने आर टीपी पी वाई क्यू एम सी एम टी पी आ चुके हैं ये सब उसमें कवर्ड है तो आप देखना चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर टू उसके असाइनमेंट उसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन और उसके वीडियोस ये आपका पहला टारगेट रहेगा स्पेशली फॉर साइंस स्टूडेंट्स राइट स्पेशली फॉर साइंस स्टूडेंट्स कूल और फिर उसके बाद आपको मिला है एक डाउट फोरम अगर ये सब ना समझ में आए तो आप सेवन थ्री नाइन थ्री नाइन सिक्स नाइन टू सिक्स टू हमारा टेक्निकल 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 नंबर नंबर है है पे क्लास नहीं खुल रही प्रॉब्लम पूछना और डाउट फोरम अलग से है थोड़ा सा आप को वेबसाइट को देखोगे तो वहां पे डाउट फोरम दिखेगा ऑल दो तो इन सबका भी वीडियो बन रहा है और आप सेवन थ्री नाइन थ्री नाइन सिक्स टू सिक्स टू पर मैसेज करके पूछ सकते हो कि मैम इसका वीडियो भेज दो समझ में नहीं है डाउट फोरम का है वो सब आपको भेज देंगे राइट तो आप इस कोर्स में जाएंगे यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा मैंने अभी बताया दीपांशी कि आप लाइव फ्रेश में जाओगे चैप्टर नंबर टू चैप्टर नंबर वन असाइनमेंट ये आपका पहला टारगेट है आपको अकाउंट्स में इसको निपटाना है और कितने बच्चे यहां पे साइंस के कितने बच्चे कॉमर्स के प्लीज फटाफट से चैट में लिखेगा आई वॉन्ट सी द रेशियो तो एक टारगेट तो आप लोग अभी लिख लो कॉमर्स 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 साइंस साइंस कॉमर्स कॉमर्स जितने बच्चे साइंस के हैं उनको तो प्रॉपरली ये देखना है राइट लिख लो अभी के लिखो, आपके के में, जो लाइव वाला है ना उसमें दो पार्ट मिलेगा उसमें जो फ्रेश होंगे और साइंस स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा वीडियो है उसको आपको देखना है आज से शुरू कर दो मैं तो कहूंगी तीन तीन चार चार घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो सो दैट जिस दिन डाउट क्लास है या फिर डाउट फोरम में भर भर के आप क्वेश्चन भेजो और जितने बच्चे कॉमर्स से हैं ई वुड सजेस्टर आपका बेसिक्स बिल्कुल ईजी है कि मुझे नहीं पढ़ना वो क्या होता है लेजर क्या होता है सब्सिडरी क्या होता है आप डायरेक्टली असाइनमेंट से पिक करो आप डायरेक्टली एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन से पिक करो लिख लो जितने बच्चे कॉमर्स के हैं इसको फटाफट से तीन दिनों में निपटा लेते हैं हम लोग राइट तो जितने बच्चे साइंस से हैं सॉरी कॉमर्स से हैं वो आई थिंक आप देख सकते हो चैप्टर नंबर वन एंड टू डेफिनेटली देख सकते हो और नेक्स्ट क्लास में हम पूरा उसको थर्व एनालिसिस करेंगे क्या क्या था क्या क्या नहीं हुआ तो चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर टू का साइंस स्टूडेंट्स को पूरा देखना है एक एक वीडियो राइट वो मैं आपको अभी दिखा भी देती हूँ आप चाहो तो अपना भी कोर्स पिक कर सकते हो हाय एंड वेलकम टू सी ए फाउंडेशन आपको अपने सुपर स्पेशल कॉम्बो में जाना है एंड यू विल गो टू अकाउंट्स लाइफ आई शो यू इन अ मोमेंट गाइस आर यू एबल टू सी दी न्यू स्क्रीन जितने बच्चों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं ना उन तुम टेंशन मतलब मैं यहां पे रात तक बैठी रहूंगी आपके जो सवाल है आप पूछ लेना अभी जो मैं बोल रही हूँ सो वंस यू गो टू योर सुपर स्पेशल कॉम्बो सेबर ट्वेंटी फोर यू विल सी पेपर नंबर वन अकाउंट्स दिस इज रिकॉर्डेड बैकअप फोल्डर में मत जाओ बैकअप फोल्डर उन बच्चों के लिए जिनको अपने हिसाब से करना है राइट right? अगर आपको मेरे हिसाब से टारगेट के हिसाब से करना है तो यू विल सिंपली गो टू यूर पेपर नंबर वन अकाउंट्स लाइव एंड रिकॉर्डेड फ्रेश

तो जितने भी साइंस स्टूडेंट्स हैं ये पूरा करेंगे एंड जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि स्टार्टिंग का जो बेसिक्स है वो इन लोगों को बहुत अच्छे से आता है ये करते नहीं है इसको तो वाई नॉट आप एक काम करो आप जाओ चैप्टर नंबर वन एंड चैप्टर नंबर टू के इलास्ट्रेशन एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन जिनको हम लोग प्यार से बोलते हैं ई ओ और नेक्स्ट है असाइनमेंट आप इसको सॉल्व कर लो बात समझ में आ गई बताइएगा यस yes और नो no. यहां तक कोई सवाल है फटाफट से पूछ लो बेटा आ रही है स्क्रीन आ रही है एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस वहीं पे होंगे ठीक है अब कुछ और बातें डाउट सॉल्विंग देखो कुछ चीजों को लिख लो डाउट्स अभी मैं मैथ्स की बात नहीं कर रही हूँ उसके अलावा बोल रही हूँ अरे भाई ये बच्चे देखते नहीं है अब पूछ रहे हैं ईओसी सी कहाँ है रिकॉर्डेड लेक्चर में कौन से वाले चैप्टर हैं अरे प्रभु जी तुम वीडियो को देख लेना ठीक है हम लोग क्लास को तुरंत वो कर देते हैं अपलोड लिख देती हूँ ना साइंस स्टूडेंट्स को जाना है आपके एसएससी में कॉम्बो में अपने गए उसमें आप अकाउंट्स में जो फ्रेश लिखा हुआ है ना फ्रेश लाइव रिकॉर्डेड उसमें जाओ उसमें आपको चैप्टर नंबर वन एंड टू की रिकॉर्डिंग मिलेगी इसको देखने के बाद उसी में आगे जितने भी ईओसी के असाइनमेंट के इलास्ट्रेशन के वीडियो हैं ये आपको पूरा सॉल्व करना है अच्छा खासा तगड़ा टारगेट है और साइंस वालों के लिए एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा वीडियोस भी हैं और इसी में कॉमर्स वालों ने क्या करना है इसी में इनको प्रैक्टिस खुद से करनी है जो ना समझ में आए वीडियोस हैं राइट अब मैं डाउट्स की बात करती हूँ बेसिक क्लास है ना भाई बेसिक चीजें तो बतानी पड़ेगी अब देखो डाउट क्या होता है ना दो तरीके के डाउट्स आती है एक तो हो गया यार एप रिलेटेड टेक्निकल डाउट नोट्स रिलेटेड क्या चीज कहाँ है ब्ला ब्ला, ब्ला. ये सारी चीजों के लिए टेक्निकल मोस्टली आप इस नंबर पे मेरी टेक टीम बैठी हुई है व्हाट्सएप टीम इनको मैसेज कर सकते हो लेकिन इनके पास बहुत मैसेज आते हैं तो थोड़ा सा थो पेशेंस रखना ठीक है लेट सपोज आपको मुझसे कुछ गाइडेंस चाहिए मैम से कुछ गाइडेंस चाहिए ऑडियो में जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको स्पेशल केस है मैम ये नहीं समझ में आ रहा बहुत सारे बच्चे जिनको मुझसे बात करनी होती है क्लास में टाइम नहीं मिला कुछ ऐसा पर्सनल पूछना है कि लाइक मैम कॉलेज का एग्जाम आ रहा है ये वो स्ट्रेटजी तो आप मुझे एक ऑडियो भेज सकते हो मेरी टीम को भेज दोगे कि मैम को ये ऑडियो भेज दीजिए मैं यूजुअली डिपेंडिंग अपॉन कि मेरा क्या टाइम वगैरह है मैं पूरे दिन बैठ के मेरी क्लासेस एंड ऑल ऑफ दैट होता है तो मैं आपको रिवर्ट कर देती हूँ ठीक है ये एक तरीका है अब आती है स्टडी रिलेटेड डाउट तो स्टडी रिलेटेड डाउट के लिए आपको हर सब्जेक्ट का एक डाउट फोरम है सबको पता है कहाँ है डाउट फोरम में आप अपना मतलब चीजों का इमेज टेक्स्ट सब भेज सकते हो और वहां पे आपको हम लोग रिप्लाई कर देते हैं यूजुअली सेम डे क्योंकि हर दिन रिप्लाईज जाते हैं सबको पता है डाउट फोरम का है राइट right? तो दिस वाज ऑल अबाउट अकाउंट्स और थोड़ा सा उनको टाइम दिया करो बाकी टीम को और स्ट्रिक्ट किया जा रहा है बाई चांस टीम कभी कुछ रिप्लाई नहीं करती तो आप मुझे लाइव में बता सकते हो कि मेरा रिप्लाई नहीं आया ठीक है उनके पास भी एक बार में सौ सौ मैसेजेस जो है अनओपन रहते हैं ठीक है अच्छा वॉट इज डाउट फोरम ये सारी चीजों का अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप कल तक मेरी टीम को भेज देना सेवन थ्री नाइन थ्री नाइन सिक्स टू सिक्स टू पे आपको डाउट फोरम पे उसका वीडियो मिल जाएगा ये सब बन रहा है अभी पीछे राइट तो सारे सेल्फ हेल्प सेल्फ हेल्प वीडियोस आपको मिल जाएंगे वहीं पे अपलोड कर दिए जाएंगे ठीक है तो आई थिंक दैट्स अबाउट इट ये मुझे आपसे बात करनी थी और बाकी हम इकोनॉमिक्स में मिलेंगे आज की क्लास बहुत लंबी तो नहीं है आपको मैंने टारगेट दे दिया है और 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 हो सकता है आज डे कौन सा है वैसे आज फ्राइडे ही है सैटरडे और संडे को हमारी क्लासेस नहीं रहती हैं बट पर... अच्छा एक और चीज़ एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट क्या आप सबने व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर ली है वैसे तो जो हम आपको अपडेट्स देते हैं जो हम आपको टारगेट्स देते हैं वो कहाँ कहाँ जाता है व्हाट्सएप कम्युनिटीज पे व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन नहीं किया तो उसी वाले नंबर पे मैसेज कर दो बोल दो मुझे ज्वाइन करवा दीजिए वो ज्वाइन करवा देंगे टेलीग्राम है हमारा ठीक है और हमारे इंस्टाग्राम पे और आपकी जो एप है उस पर हमारे टारगेट्स आते रहते हैं सो दिस इज हाउ यू विल बी कनेक्टेड अबाउट वॉट नेक्स्ट तो ये चीजें हो गई और या दैट्स अबाउट इट बाकी वी ऑल विल टारगेट थ्री फिफ्टी Plus in September 24 for sure. Remember that accounts is what easy बोलोगे tough बोलोगे अच्छा आप में से कौन सा uh, हाँ accounts theory की भी बात करती हूँ मैं आप में से कितने सारे बच्चे जिनको accounts easy लगता है tough लगता है Rate yourself in one to five. Five means मीन्स की बहुत easy लगता है one means की नहीं आता है Come on. बार बार मत बोलो की थ्योरी याद नहीं होती है थ्योरी याद करने का हैक बस यही है नोट्स मेकिंग अच्छा अकाउंट्स की नोट्स मेकिंग के बारे में कुछ चीजें बतानी है आपको देखा ये पहला क्लास कितना इम्पोर्टेंट होता है थ्योरी कितने मार्क्स का आता है पता है अभी बहुत ज्यादा आप लोगों को ओवरबर्डन नहीं करूंगी बट आप लोगों को मुझे वो भी बताना है कि अकाउंट्स का पेपर स्ट्रक्चर क्या है कितने मार्क्स का क्या आता है टिंग एवरी वेस्पॉन्स बट मैसेज इतना तेज जा रहा है ना कि मुझे दिख नहीं रहा है थ्योरी बीस नंबर बीस नंबर बीस नंबर एक्सेप्ट थ्योरी पांच ओके 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 वन वाले भी बहुत है दो वाले भी बहुत है तीन वाले भी बहुत हैं चलिए ठीक है देख लेते हैं अकाउंट्स कितना टफ है अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो, तो यार ये अपना मॉड्यूल नंबर वन मॉड्यूल नंबर वन में जो मैंने आपको दिया है ना दैट इज uh, जो टारगेट दिया है अभी वो है चैप्टर नंबर एंड चैप्टर नंबर टू ये चैप्टर चैप्टर नंबर नंबर प्योरली क्लास इलेवेंथ की अकाउंट से जो बच्चे इलेवेंथ में पढ़ते थे इसमें हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं ठीक है एकदम अच्छे से करो और एक बात का ध्यान रखना अभी टाइम है अभी ऐसा नहीं है कि सेप्टेम्बर कल ही आ रहा है तो एक चीज का वादा करो आप लोग कि अभी जा करके जब से क्लास स्टार्ट कर रहे हो ना अभी जा करके अपनी कुछ ऐसी कॉपीज़ अगर, तो अगर आप एक मेहनत और कर ले जाओ थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा थोड़ी सी ट्वेंटी परसेंट एक्स्ट्रा मेहनत आपको रंग लाएगी आप पास जरूर करोगे वो पता है क्या है कोई बता सकता है एक एक रिक्वेस्ट करूंगी बस आप लोगों से कि ये कर लेना यार जो क्लास लाइव हो रही है देखो दो कोर्स है आपके एक कोर्स हो गया आपका बैकअप उससे कोई मतलब नहीं है उसमें जो पढ़ा हुआ है वो जून का पढ़ा हुआ है जो फ्रेश वाला है ना फ्रेश उसमें अभी का जो चल रहा है लाइव उसका रिकॉर्डेड जैसे कोई लाइव होगा उसका रिकॉर्डेड उसके नीचे आ जाएगा नोट्स राइट right. तो मैं कहूंगी कि लेट सपोज तुमने क्लासेस देखी और चलो लॉ में इकोनॉमिक्स में तो नोट्स मिल जाएंगे अकाउंट्स की बात करते हैं अगर बच्चों आप लोग अकाउंट्स में जो भी पढ़ रहे हो जैसे फॉर एक्साम्पल यूनिट नंबर वन है ये आप पढ़ोगे ठीक है फिर कंसेप्ट पढ़ोगे प्रिंसिपल पढ़ोगे कैपिटल रेवेन्यू पढ़ोगे पढ़ोगे अगर आप लोग अपनी लैंग्वेज में इसको छोटा छोटा करके लिख सको तो आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता हाँ थ्योरी नहीं करने का मन है मत करो बट आगे फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन पढ़ोगे रेक्टिफिकेशन पढ़ोगे बहुत सारी चीजें पढ़ोगे अगर आप कॉन्सेप्ट्स को जो मैंने पढ़ाया जो आपने पढ़ा जो आपने क्वेश्चन सोल्व किए लेट सपोज क्वेश्चन नंबर कॉल्व किया डेप्रिसिएशन पढ़ा जैसे ये तो देखो प्योरली थ्योरी है ये तो मेरे ऊपर छोड़ दो इसका नोट्स ठीक है और अगर आपको लग रहा है साइंस वालों के यार इतना बोरिंग ये नहीं पढ़ना तो आप इसको छोड़ सकते हो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना लेकिन साइंस uh, कॉमर्स uh, वाले साइंस वाले जरूर करेंगे क्योंकि तो यही तो थ्योरी बेस है अकाउंटिंग प्रोसेस में आए ये सब है सिर्फ एग्जाम्पल आपको लगता है अच्छा सब्सिडरी बुक कैश बुक ये मैंने पढ़ लिया अभी जो चीज मैंने मैं आज पढ़ी और जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको मैं अगर नोट्स में लिख लू वो आपके लिए रामबाण काम करेगा हम लोग इकोनॉमिक्स में आज तक और लॉ में नोट्स देते आए हैं पता है सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है अकाउंट्स में कोई नोट्स कैसे दे लेट सपोज कि आप अकाउंट्स में पढ़ रहे हो मान लो चैप्टर नंबर थ्री बैंक रिकन्सुलेशन स्टेटमेंट वैसे इसके भी नोट्स हैं मेरे लेकिन लेट सपोज कि आपने बैंक रिकांसेशन स्टेटमेंट पढ़ा और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट आया

एंड देन याद नहीं रहेगा क्या पढ़ा था क्या नहीं तो अगर आप अकाउंट्स का नोट्स बनाते रहो तो इट विल बी बेस्ट बाकी बोलना मेरा काम है फॉलो करना आपका काम है राइट right? और ऐसे लाइव आते रहना यार एक मोटिवेशन रहेगा और नंबर ऑफ लाइव्स को हम लोग बढ़ा देंगे वैसे रोज ही आप मेरे साथ मिलोगे इकोनॉमिक्स में तो आप रोज मिलोगे राइट right? और धमाकेदार तरीके से इकोनॉमिक्स करेंगे अकाउंट्स भी हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देंगे और लेकिन इतना ज्यादा आपके पास काम रहेगा टारगेट रहेगा कि आप कर ही नहीं पाओगे और बाकी जो भी आपको पर्सनली मुझसे पूछना है अगर आप यहाँ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो अगर नहीं तो आप मुझे ऑडियो भेज सकते हो ठीक है अभी मैं कुछ बता रही हूँ आपको सो दिस इज चैप्टर नंबर वन थियर फ्रेमवर्क और uh, इसके नोट्स अभी मैंने नहीं दिए हुए हैं आप इसको पहले सिर्फ पढ़ो ठीक है साथ साथ बनाना चाहते हो तो बना लो दिस इज मोर ऑफ अकाउंट्स का थ्योरी ठीक कैपिटल रेवेन्यू दिस 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 बहुत सारी चीजें एंड देन एक चैप्टर नंबर टू इज वेयर द रियल जर्नल वर्क स्टार्ट्स जर्नल एंट्री द लेजर दैलेंस दब्सिडरी बुस बुक एंड करती वैसे तो है जून ट्वेंटी फोर में देख लो तुम्हें क्या क्या आता है इसमें से है ना बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिस नोट अब तुम लोग बहुत लकी हो क्योंकि लास्ट uh, ईयर तक यहां पर एक लंबा तगड़ा सा चैप्टर हुआ करता था जिसमें तमाम स्पेशल ट्रांसैक्शन थे सब हटिया सिर्फ क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोट खत्म फिर उसके बाद आ गया आपका लंबा चौड़ा फाइनल अकाउंट्स फाइनल अकाउंट्स किसको किसको पसंद है, है ना हम्म फिर उसके बाद आती है आपकी मॉड्यूल नंबर टू मॉड्यूल नंबर टू में आपका एनपीओ है बहुत सारे बच्चों ने शायद एनपीओ भी पढ़ा हो पहले फिर ये बच्चों नया टॉपिक है अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स फिर उसके बाद आता है पार्टनरशिप और पार्टनरशिप के साथ नया टॉपिक आ गया है एल एल पी अकाउंट है निकाउं भी काफी सारी चीजें नई आई हैं रिडेमशन डिवेंचर एंड ऑल ऑफ दैट तो ये आपका अकाउंट्स का सिलेबस है जिसको हमको बहुत स्पीड में कन्वर्ट करना है कंप्लीट करना है अब आप लोग मुझे बताओ कि, कि आपको टारगेट क्लियर है सबको बताइए आप सबको टारगेट क्लियर है और अब आप एक और चीज मुझे बताओ कि आप लोग क्या चाहते हो फॉर देखो क्या होता है ना बैच इज अस ऑफ पीपल देर आर साइंस स्टूडेंट्स देर आर कॉमर्स स्टूडेंट्स तो अब जो हम लोग टारगेट भेजेंगे really कि... मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊ फॉर एग्जांपल डू चैप्टर नंबर वन का लेक्चर नंबर वन टू थ्री आप चाहते हो मैं इस बैच में वन टू थ्री फोर एक एक लेक्चर का नंबर बताऊं दिस, 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 दिस बता तरीके से अपने टारगेट मूविंग फॉरवर्ड कर लूंगी अभी मैं बहुत टाइम पे लेक्चर वाइज बताती थी कि यार दिस इज यू हैव टू क्या होगा ना फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर वन हर कोई नहीं करेगा uh, चलो मैं दोनों करके बता दूंगी ठीक है स्पेशली फॉर चैप्टर नंबर वन एंड टू वही तो सिर्फ वो है अपना और बताइए आपकी क्या सवाल है बेटा इकोनॉमिक्स का दो घंटे का क्लास नहीं होगा इकोनॉमिक्स तो मंडे टू फ्राइडे है राइट तो इकोनॉमिक्स अगर हम फोकस्ड में फोर्टी मिनट्स भी पढ़ लेना आप पागल हो जाओगे क्योंकि मैं टाइम पास नहीं करती क्लास में जब पढ़ा रही हूं तो एकदम कोर पढ़ा रही हूं फिर उसके बाद हम लोग ट्वेंटी मिनट्स तक कुछ डाउट सॉल्विंग ये वो क्वेश्चन कुछ डिस्कशन तो वन आवर से ज्यादा का इकोनॉमिक्स जरूरी नहीं है राइट सबको शेड्यूल मिल गया है क्योंकि अभी भी बच्चे पूछ रहे हैं कि अकाउंट्स क्लास कब होगी अभी हम सिर्फ तीन सब्जेक्ट्स पिक करेंगे मैथ्स में भी आपको पूरी रिकॉर्डिंग दे दी गई है सो so, uh, मैथ अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप मैथ्स डेफिनेटली चैप्टर नंबर वन स्टार्ट कर सकते हो मैथ्स का क्या प्रोविजन है किस तरीके से डाउट सॉल्विंग होगी किस तरीके से क्या होगा वो हम आपको नेक्स्ट वीक तक बताएंगे अभी आप तीन सब्जेक्ट्स पे कोर फोकस करो फिर भी अगर आप मैथ्स पे करना चाहते हो तो मैं आपको टारगेट दे रही हूँ आप चैप्टर नंबर वन स्टार्ट कर सकते हो नाइन टू फाइव कॉलेज थोड़ा सा मुश्किल है

हम लोग इस बार मैथ्स पे कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हम कोशिश करें कि डेली डाउट सॉल्विंग सेशन हो क्योंकि मैथ्स में एक प्रॉब्लम फेस हो रही है कि मैथ्स में बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेक्चर लगा तो लेते हैं लेकिन डाउट्स नहीं सॉल्व हो पाती राइट तो कोई ऐसा सेशन हो जिसमें बच्चे बैठे रहें और टीचर भी हो जितने डाउट्स हो आप पूरा पूछ लो डेली टारगेट तो मैंने राइट फ्रॉम टुडे नहीं अभी बता दिया टारेट अकाउंटी so uh, देखो जब सेकेंड अटेम होता है ना और बच्चा एक बार पढ़ चुका होता है तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि हमेशा uh, ये जो नेक्स्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हो वो फिर से चैप्टर नंबर वन से कभी मत पढ़ो उन टॉपिक से स्टार्ट करो जिन्होंने आपको फेल करवाया तभी तो वो ब्रिज कवर होगा ना फॉर एग्जाम्पल आप नहीं कर पाए और आप वन सिक्सटी पर अटक गए तो 160 से 200 कैसे पहुंचोगे चैप्टर नंबर वन से स्टार्ट नहीं करोगे जो चैप्टर रुला के गया है तुमको जिसको तुमने पढ़ा नहीं था वहां से स्टार्ट करो एग्जाम कैसे लिखना है मैम एग्जाम कैसे लिखना है एक एग्जाम्पल बोलो ना एग्जाम कैसे लिखना है भाई हाथ से लिखना है और कैसे लिखेंगे पढ़ेंगे तभी तो एग्जाम लिखेंगे हाथ से एग्जाम कैसे लिखवा तुम लोगों को और बताओ यार क्या क्वेश्चन है क्या सवाल है इकोनॉमिक्स में तब तक देख लो इकोनॉमिक्स में जितने बच्चे आएंगे मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं चैप्टर नंबर वन के नोट्स किसी ने देखे मैंने अकाउंट्स का टारगेट दे दिया देती ठीक है इकोनॉमिक्स का टारगेट रात में मिल जाएगा और कसम खा लो जितना पढ़ रहे हो जितना टारगेट रिकॉर्डेड का मिल रहा है जो लाइव में हो रहा है अगली क्लास में वो याद होना चाहिए मतलब ऐसा मत करना इस बैच में कि चलो एक बार में पढ़ ले रहे हैं इंस्टीट्यूट के कुछ टिप्स हैं आईसीए के कुछ टिप्स हैं जो कि मैं यूट्यूब पे शेयर करने वाली हूँ उसमें आईसीआई ने खुद लिखा है कि भैया रिवाइज 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 बच्चे क्या करते हैं कि तीन महीने चार महीने कोर्स कंप्लीट करेंगे अब तो खैर चार महीने भी नहीं है दो महीने कोर्स कंप्लीट करेंगे उसके बाद सोचते हैं कि चलो यार रिवाइज करते हैं नॉट पॉसिबल नॉट फीसिबल वर डूंग एक और गजब की बात मंडे टू फ्राइडे जस्ट डू द इन प्रैक्टिस सैटरडे संडे गिव ओनली टू रिविजन ठीक है मंडे टू फ्राइडे डू द लेक्चर्स डू द टारगेट डू द लाइफ सैटरडे संडे जस्ट लर्न 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 लर्न

सिलेबस का आचार थोड़ी डालना है तो याद होना चाहिए ना तो भाई मैंने सिंपल फंडा निकाला है मंडे टू फ्राइडे पढ़ो प्रैक्टिस करो जो करना है करो टारगेट कंप्लीट करो और सैटरडे संडे उसको पूरा याद कर डालो अच्छा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि और हम चैप्टर टेस्ट ही लेंगे ठीक है आ... Accounts, एक मिनट एक मिनट एक मिनट लॉ टफ होगा कि इकोनॉमिक्स तो अभी तक क्वेश्चन जवाब मेरा होता था कि लॉ टफ होगा बट अब इकोनॉमिक्स भी टफ है क्यों क्योंकि इकोनॉमिक्स में पहले लास्ट ईयर था बीसी के था किसी को पता है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज जो कि हलवा था बच्चे एक दिन पहले सात आठ घंटे का मैराथन देख के पढ़ाते थे हो गया स्कोर करना आसान था बीसी के को पूरा हटा के पूरा मैक्रो कर दिया अब इसको लॉ की तरह टफ बना दिया है बट हो जाएगा आप क्लास कर रहे हो ना खुद तो बैठे नहीं हो तो हो जाएगा मैम अकाउंट्स का पेपर का पैटर्न थोड़ा बताइए मतलब थ्योरी कितने क्वेश्चन सब बताएंगे सब बताएंगे सब कुछ आज ही सब समझ लोगे ठीक है मैम मैं इकोनॉमिक्स इज स्ट्रॉन्ग बट अकाउंट्स इज समथिंग दैट इज कम्प्लीटली न्यू फॉर मी इंस्टेड ऑफ डूइंग सेवरल सर्टिफिकेशन आई स्टिल कोर्सर अलॉट वॉट टू डू इम्प्रूव इसका रीजन ये है कि आपका चैप्टर नंबर वन और चैप्टर नंबर टू स्ट्रॉग नहीं है

स्टार्टिंग में मॉड्यूल नंबर वन जो दिखाया दो इनवेंट्री ये सब क्या है हैं, जो कि final accounts में, NPO में, बेटा क्लास अगर डिस्कनेक्ट हो रही है तो आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम सारे बच्चे बैठे हुए हैं ठीक है ठीके? तो बस जाइए और लग जाइए मैं सोच रही हूँ कि मैं एक अकाउंट्स की क्लास कल भी लगा दू आप लोग को जो जो प्रॉब्लम होगी आप लोग मुझसे पूछ लोगे ठीक है मैंने आपको बता दिया निदिविका आप चैप्टर नंबर वन करो अभी मैंने लिख के बताया कि क्या टारगेट था ठीक है और आपको डेली जो टारगेट्स मिलेंगे आपको सब बता दिया जाएगा आप में से कितने बच्चे इकोनॉमिक्स में भी आने वाले हो अभी से बैठ जाओ और साइंस वाले और कॉमर्स वाले जो मैंने बताया अभी कुछ मत करो अभी अकाउंट्स रीस्ट्रक्चर हो रहा है बट अकाउंट्स में जाओ फ्रेश वाले फोल्डर में उसमें लाइफ के नीचे जो आपका चैप्टर नंबर वन एंड टू लिखा हुआ है उसको करना स्टार्ट कर दो उसको देखना स्टार्ट कर दो जो भी दिक्कत होगी मेरे से एक बार इकोनॉमिक्स में पूछ लेना ठीक है और कोई सवाल की अब चला जाए आप में से कितने बच्चों का टारगेट है थ्री फिफ्टी जितनों का टारगेट आठ से थ्री फिफ्टी है वो जरूर पास हो जाएंगे टारगेट ही अगर कम रखोगे तीन सौ ढाई सौ दो सौ नहीं हो पाएगा क्लास ट्वेल्थ के साथ कैसे टाइम मैनेज करें आई एम श्योर क्लास ट्वेल्थ के साथ हो तो सितंबर तो बैच होगा ही नहीं तब तो आप आराम आराम से कर सकते हो बट स्टिल आप थोड़ा सा स्लो पेस पे कर सकते हो दैट्स जो सितंबर वाला दो दिन में करेगा आप चार दिन में कर सकते हो या फिर मैं एक बताती हूँ अब आपको तो मेरे टारगेट के हिसाब से पढ़ना है अब मैं टारगेट सितंबर का और जैन का अलग अलग तो दे नहीं रही तो आप क्या कर सकते हो जितने भी बच्चे हैंड करो भाई सब लोग जितने बच्चे ज्वाइन के हो ना क्लास ट्वेल्थ के हो आप पता है क्या करो आप एक सब्जेक्ट को पूरा इग्नोर कर दो मेरे एक या फिर दो सब्जेक्ट के टारगेट को पूरा इग्नोर कर दो क्योंकि तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है सेप्टेंबर के कितने बाद तुम्हारा पेपर है तो तुम अभी से चारों सब्जेक्ट पढ़ के क्या करोगे राइट right? इलेवेंथ वाले बच्चे जो ट्वेल्थ वाले बच्चे हैं आप दो सब्जेक्ट पिक कर लो एक थ्योरी रखो एक प्रैक्टिकल रखो और आप मेरे दो सब्जेक्ट को का टारगेट बहू लो और उसको कंप्लीट करो समझ रहे हो ये हर बार हुआ है जितने बच्चों का मैं एक साल का बैच चलाती हूँ उनसे मैं बोलती हूँ कि दो सब्जेक्ट पे फोकस करो गौरव मैथ्स के बारे में हम नेक्स्ट वीक से आपको बताएंगे राइट यथार्थ जितने बच्चे जनवरी में देना चाहते हैं उन्होंने सितंबर का बैच लिया है अगर लेकिन अब आप जनवरी का करना चाहते हैं तो आप मेरी टीम से बात करके एक्सटेंड कर सकते हैं बहुत सारे बच्चे भी एक्सटेंड कर रहे हैं ठीक है तो अभी से जाइए और लग जाइए और जो भी प्रॉब्लम होगी इकोनॉमिक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा फिर हम मिलेंगे इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स आज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तब तक के लिए एक और बात आप इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर वन का नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है नहीं मिलेगा तो मैं आपको क्लास में आकर के दिखा दूंगी इकोनॉमिक्स ये कहाँ है उसको कल जा करके या फिर रात में जाकर के शाम को जाकर के मैं तो कहूंगी डाउनलोड करवा के प्रिंट करवा लीजिएगा अगर आपको खुद का बनाना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है आप खुद का बना सकते हैं लेकिन अगर आप प्रिंट आउट कर लेंगे तो अच्छी बात है आप चाहो तो अपने डिजिटल uh, पैड में भी रख सकते हो उसको राइट? ओके गाइस दैट्स एंड लेट्स गो फॉर इट साइंस स्टूडेंट्स अगेन स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर टू एवरी लेक्चर the commerce students just go for the toughest questions just pick up your book if you think in a journal padna, ledger right to smart study start with all the illustrations start with all the end of chapter questions and then just jump on the assignment questions let's see how good you are in accounts and if you fall short anywhere all the videos are there for you the doubt forum is active for you and with to talk to me uh, the audios are you know the best way to work number you have noted down doubt support is available for you take care milte hain economics mein economics ka time kya hai beta ek hi baat mat puchho na mahavir aapko maine target de to diya hai आपको एक schedule शेड्यूल पहुंच गया है कि uh, क्वेश्चन वो क्या है आपका क्लासेस का क्या है जिसको नहीं मिला है वो कम्युनिटी ज्वाइन कर लो और जो कम्युनिटी में भी नहीं है वो टीम को मैसेज कर दो वो आपको कम्युनिटी में ज्वाइन कर देगा बाकी टारगेट तो हर जगह आता है लाइफ शेड्यूल का और राइट वील सी यू एट एट पी ओके अगेन बता रही हो जो भी सवाल है जिसका भी सवाल है आप ऑडियो में मुझे भेज सकते हो आप यहाँ पे भी पूछ सकते हो डाउट फोरम अलग है स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए टेक्निकल प्रॉब्लम्स के लिए अलग नंबर है बताना पड़ता है भाई दस बार तब जाके बच्चे समझते हैं लाइफ शेड्यूल क्या है वो डाल दिया गया है मेल कर दिया गया है कम्युनिटीज पे डाल दिया गया है आपके कोर्स में भी डाल दिया गया है फिर भी नहीं मिला है तो व्हाट्सएप नंबर पूछ सकते हो कि प्लीज सेंड द लाइफ शेड्यूल बाकी बच्चे जा सकते हैं जिनका कोई सवाल है वो रुक सकते हैं हाँ जी आप पूछो जो जो सवाल पूछ रहे थे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने मिस कर दिए हैं ना बीच में अच्छा अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं था प्रियश तो आप टारगेट्स फॉलो करो तब तो फर्स्ट अटैम्प सेकंड अटेम्प्ट एक ही बराबर हो गया अकाउंट्स का टारगेट आपको खत्म करना है नेक्स्ट क्लास तक बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आकर के आपको पेपर पैटर्न दिखाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि वेटेज क्या है हर सब्जेक्ट का और हर चैप्टर का टुमारो की क्लासेस का मैं आपको टारगेट सुबह भिजवा दूंगी बेटा आपको अर्पण आपके लिए भी सेम चीज़ है अगर आपका ट्वेल्थ हो चुका है मुझे अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है uh, हाँ जी तो आपके लिए भी सेम चीज अप्लाई होती है आपके जैसे बहुत सारे बच्चे नाइनटी परसेंट आपके जैसे बच्चे हैं तो आपको टारगेट स्टार्ट करना है आज इकोनॉमिक्स में जो होगा उसको एकदम अच्छे से याद करना है अकाउंट्स में जितना दिया गया उसको नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट करना है आई सफर टू रिकॉग्नाइज द एप्लीकेशन प्रोसीजर्स आई सफर टू रिकॉग्नाइज एप्लीकेशन प्रोसीजर बेटा थोड़ा सा हिंदी में समझा दो मतलब अकाउंट्स का जो एप्लीकेशन है वो समझ नहीं पाते हो प्रोसीजरल पार्ट बेसिक्स वीक है और रिकॉर्डेड वीडियो जो होता है हमारी टीम तुरंत डाल देती है दो घंटे के अंदर अंदर मैम किसी भी चीज का क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करनी चाहिए एक तो साथ साथ में करो ठीक है जैसे फॉर तो एग्जांपल अभी तुमने लेक्चर किया तो लेक्चर में जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ में करते रहो लेक्चर की प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गए बीच में प्रैक्टिस करो बढ़िया और फिर उसके बाद उसको री प्रैक्टिस करो अभी तो फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन uh, हो गए तो मेरा वीडियो देख कर प्रैक्टिस कर रहे हो अरे मैम ने कैसे समझाया समझ लिया प्रैक्टिस कर लिया फिर रिकॉर्डेड बीच में रिकॉर्डिंग बंद करके फिर उसको फिर अपने माइंड से बिना आंसर देखे सैटरडे और संडे को खुद से प्रैक्टिस करो तो सैटरडे संडे ना ऐसा होना चाहिए कि नेक्स्ट मंडे को एग्जाम है ये हर हफ्ते के लिए करो मंडे से फ्राइडे जो बच्चा देखो हैक यही है, है। मंडे से फ्राइडे जो बच्चे ने जो पढ़ा हुआ है अगर उस चीज को वो सैटरडे संडे को एकदम एग्जाम एक� लेवल का तैयार कर ले दो महीने में तीन महीने में उनका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा ये वीडियो कब तक आ जाएगा मैं अपनी टीम को बोल देती हूँ कि भैया आप कब चाहते हो बताओ वैसे तो मेरी टीम सेम डे कर देती है अपलोड प्रतीक आपको जो रिकॉर्डेड वीडियो है आ, आप कोशिश करना कि अभी से ना वन वन एंड हाफ आवर्स के अंदर आप रिकॉर्डेड सेशन डाल दो और बताइए क्या सवाल है हो गया मिले अब इकोनॉमिक्स में गाइस तब तक नोट्स वाला जो बताया इकनॉमिक्स का वो कर लेना हाँ जी प्रतीक हां जी ओके बाय बाय सी बब्बा इन इकनॉमिक्स टड़ा वाव ग्रेट प्रतीक नोट्स आप प्रिंट आउट कर लो या फिर डाउनलोड कर लो इकनॉमिक्स का बाकी सबकी बुक्स आ गई हैं बुक्स नहीं भी आई हुई हैं तो आपको बुक्स मिल जाएंगी आईसीआई बोर्ड ऑफ स्टडीज से उनको वापस से ठीक कर लीजिए अच्छा जी जैसे कौन से ऑप्शंस आ गए हैं एक बच्चा कह रहा है डाउट सपोर्ट पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं कौन सा ऑप्शन आ गया है भैया हमको तो पता ही नहीं है ग्रेट अर्पण ग्रेट सारे सब्जेक्ट डबल हो गए हैं बस यही दिक्कत थी वो सही हो रहा है कितने आवर स्टडी करें डेली जितना कर सकते हैं मैंने कहा कि टारगेट है टारगेट जाओ

ठीक है अब कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं? अब मिलते हैं इकोनॉमिक्स में एक घंटा होगा दो घंटा होगा डेढ़ घंटा होगा बस इतना मत सोचो कि कितना आवर होगा कौन सा आप लोगों को कोई मीटिंग में जाना है ठीक है चलो बाय गाइस थैंक यू बाय